हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जा रहे हैं कोलकाता। अरे हाँ संजय, मैं भी जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। मैं भी जाऊंगा और जा भी रहा हूँ। अरे सिंचन, मैं भी जा रहा हूँ। ये बगल में, हम लोग के बगल में एक बच्चा बैठा है, ये कौन है? ये मेरे कंधे के ऊपर सो रहा है, मुझे इससे प्रॉब्लम है। ये बच्चे साइड हो जाओ यहाँ से, मेरे को तंग मत कर। अरे सिंचन, ये तो साइड हो ही नहीं रहा है। अरे ये क्या, ये तो बगल में ही सो गया, लगता है इसे बहुत नींद आ रही है। अरे हाँ दोस्तों, ये लोग सही बोल रहे हो। चलो यहाँ पे हम लोग आराम से बैठ के वेट करते हैं। अरे ये क्या, प्लेन इतना हिल क्यों रहा है? अरे जल्दी से हमें सीट बेल्ट लगानी होगी, जल्दी से संजय सीट बेल्ट लगा लो। ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी से सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। ये रहा सीट बेल्ट, इसे लगा लेता हूँ। अरे दोस्तों, अभी भी प्लेन हिल ही रहा है, क्या होगा हमारे साथ, ये क्या हो रहा है? दोस्तों मैं खिड़की खोल के देखता हूँ, मुझे कोलकाता को ऊपर से देखना है। अरे ये क्या दोस्तों, यहाँ तो प्लेन में ही आग लग गई। ये क्या हो रहा है? बच्चे उठ जाओ जल्दी, हम लोग गिरने वाले हैं, बचा लो हमें, भगवान हम लोग मरने वाले हैं। ये क्या हुआ? अरे सुनचैन जल्दी से उठ जाओ, यहाँ पे हम लोग को बेहोश हो गए थे, लगता है वो एक सपना था। चलो उठ जाए हम लोग, अभी तो ठीक है। अरे ये क्या, यहाँ पे तो पूरा प्लेन ही टूट चुका है, हम लोग आखिरी बचे हैं। लगता है हम लोग भी ज़्यादा देर नहीं रहने वाले हैं। दोस्तों ये क्या हो रहा है, हम लोग तो यहीं फंस जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ? अरे दोस्तों, मेरे को होश आ चुका है। अरे हम लोग ये कहाँ पे आ गए? हम लोग तो एक छोटे से प्लान के कुछ ये लगे हुए, उन पे हम लोग जिंदा है। सिंचन हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, हम लोग यहाँ पे आके गिर गए थे। अच्छा हम लोग समुंदर में नहीं गिरे, वरना कोई सार्क आके हमें जरूर खा गई होती। अरे दोस्तों सही बोल रहे हो, मुझे कुछ आके बहुत डर लगता है, वो हमें खा जाएगी। अरे दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक काम करते हैं, यहाँ पे जितने भी डिब्बे हैं वो सब कलेक्ट करते हैं, उनके अंदर हमें कुछ माल तो मिल ही जाएगा। जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, एक हैमर क्राफ्ट कर लेता हूँ। अरे दोस्तों हम लोग यहाँ फंस गए हैं, अभी भी आगे यहाँ पे बहुत सारे डिब्बे कलेक्ट करने पड़ेंगे। अरे दोस्तों तुम लोग इतना डरते क्यों हो? डरने की क्या बात, जब सिंचन है अपने साथ। जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी रस्सियाँ क्राफ्ट कर लेता हूँ। अरे छोड़ो रस्सी को, छोड़ो रस्सी उतना काम का नहीं, एक फिशिंग रॉड क्राफ्ट कर लेता हूँ। इससे हम लोग फिशिंग करेंगे और फिशिंग करके मछली पकड़ के हम लोग खा सकते हैं, वरना तो हम लोग मर जाएंगे। अरे हाँ सिंचन तुमने तो सही दिमाग चलाया, अगर हम लोग यहाँ पे मछली भी नहीं पकड़ पाए तब तो हमारा ज़िंदा रहना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास बस थोड़ा सा खाना ही और पानी, हमें पानी का भी कुछ जुगाड़ करना होगा, वरना हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे। अरे हाँ दोस्तों सही बोल रहे हो, हमारे पास पानी भी बहुत कम है। चलो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, अपना आइलैंड थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग खड़े भी अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। अरे तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया, एक फ्लोर बिल्ड कर दिया। अरे सिंचन मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, यहाँ पे सारे डिब्बे कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डिब्बा ही हमारा एक आखिरी साथ है, वरना तो हम लोग सब यहीं पे डूब के मर जाएंगे। दोस्तों हम लोगों के पास थोड़ा अच्छा खासा माल हो चुका है, अब हम लोग को एक पानी बनाने वाला बना लेना चाहिए। जल्दी से मैं पानी बनाने वाला क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये इससे ही हम लोग अपना पानी बना पाएंगे। अरे पानी वाला तो आ गया, बस इसके अंदर हम लोग पानी कैसे डालें? अरे सिंचन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से ये जो समुंदर है, यहाँ पे तो पूरा पानी है ही, बट समुंदर के पानी में नमक होता है, तो हम लोग इस पानी को गर्म करके पी सकते हैं। अरे हाँ दोस्तों तुम लोग सही बोल रहे हो, कजामा तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चल रहा है आजकल। मैं जल्दी से यहाँ पे जितना भी माल है वो सब कलेक्ट कर लेता हूँ। अरे दोस्तों जल्दी से, हमने यहाँ पे माल कलेक्ट कर लिया है, अब मैं यहाँ पे एक बकेट बना लेता हूँ, क्योंकि जो कजामा का आइडिया है वो मुझे भी सही लग रहा है। मैंने एक बकेट बना ली, अब इस बकेट के अंदर पानी भर लेता हूँ। मैंने इस बकेट के अंदर पानी भी भर लिया है, अब मैं जल्दी से इसको इसके अंदर डाल देता हूँ, और मैं इसके अंदर प्लैंक भी लगा देता हूँ, वरना तो ये चलेगा ही नहीं। मैं इसके ऊपर प्लैंक लगा दिया है,
और कप भी लग देता हूँ क्योंकि कप के अंदर तो पानी आएगा। अरे सिंचैन, तुम तो एकदम सही कर रहे हो। अगर हम लोग इसी तरह यहाँ पे रहेंगे तो हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। जल्दी से एक काम करते, हम लोग पानी पी लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी हम लोग का बन चुका है। अरे दोस्तों रुक जाओ, उससे पहले मैं थोड़ा सा माल कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये भी हम लोग को बहुत ज़रूरी है। इसी से हम लोग अपना आइलैंड एक्सपेंड कर सकते हैं। आइए कजामा, चलो ना जल्दी से पानी पीते, मुझे बहुत प्यास लग रही है। अरे ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा, हम लोगों को यहाँ पे अपनी सांस को कंट्रोल करना भी सीखना पड़ेगा। जल्दी से अब मैं एक काम करता हूँ, तुमको इतनी प्यास लग रही है तो पानी पी ही लेता हूँ। ये पी लिया तुमने पानी, हो गया, बस मिल गई संतुष्टि तुमको। अरे कजामा थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं पानी, मेरी प्यास बुझ गई। मुझे दोस्तों हम लोग यहाँ पे पानी तो अब बना लिए, बट हमें यहाँ पे रहने के लिए खाना भी तो बनाना पड़ेगा। जल्दी से हम लोग एक काम करते, पहले तो अपना फ्लोर एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्लोर एक्सपेंड कर लिया, अब हम लोग यहाँ पे चारों कोई आराम से खड़ा हो सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक फायर प्लेस बना लेता हूँ जिस पे हम लोग अपना मछली पका पाएंगे। चिलू बो, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया ये, तुमने तो एक फायर प्लेस बना दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, जितने भी पास के डिब्बे हैं मैं इन सारे डिब्बों को कलेक्ट कर लेता हूँ, और डिब्बों को कलेक्ट करने के बाद हम लोग फिश भी पकड़ लेंगे और उसे हम लोग पका के खा भी पाएंगे। तब हम लोग को थोड़ी सी राहत मिलेगी कि कम से कम हमारे पास कुछ खाने का तो आ गया। चिलू मैंने थोड़े मोड़े डिब्बे पकड़ लिए हैं क्योंकि ज़्यादा डिब्बे तो आए ही नहीं हैं। एक काम करता हूँ, अब जल्दी से मैं फिश पकड़ता हूँ। ये लिया फिशिंग रोड और ये डाला मैंने मछली पकड़ने के लिए। देखते हैं मेरे को कौन सी मछली मिलती है। आए सिंचैन मेरे को पकड़ने दे, तुम लग जाओ, मैं तुमको नहीं आएगा। अरे सिंचैन मैंने जैसे फिशिंग रोड पकड़ी, ये मेरे को जूता क्यों मिल गया। अरे दोस्तों तुम लोग रुक जाओ, मैं पकड़ता हूँ, तुम लोग घूम नहीं आएगा। ये पकड़ा मैंने, ये फिश आई यहाँ पे। फिश आजा आजा, फिश आजा 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 आधी फिश, जल्दी से इसको पकड़ना होगा, हम लोग को इसके ब्लू वाले गोरे के अंदर रखना है। आजा 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 आ गई आ गई आ गई। ओ भाई ऑरेंज वाली फिश मेरे को तो मिल गई, तुम लोग को कौन सी फिश मिलेगी। चलो एक काम करते हो, इससे पहले मैं इसे पकाने के लिए रख देता हूँ जब तक तुम लोग को अपनी फिश मिलेगी। चलो मैंने इसे पकाने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे भी मैं पानी डाल देता हूँ क्योंकि हमें प्यास भी लगते रहती है बीच बीच में। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में शार्क है, तो हमें उससे बचने के लिए स्पीयर बनाना होगा क्योंकि तो अगर उस शार्क ने अटैक किया तो हम लोग मर भी सकते हैं। वो देखो वो सामने में घूम रही है। चलो मैंने स्पीयर बना लिया, अगर उसने अटैक किया तो मैं उसे मार दूँगा। अरे सिंचैन तुम कहाँ जा रहे हो। दोस्तों मैं यहाँ पे प्लेन कलेक्ट करने जा रहा था, बट ये तो आ ही नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, इसे हुक से ही पकड़ लेता हूँ क्योंकि ये सांप से मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। मैं पानी में गया था तो ये मेरे पास आ रही थी मुझे काटने के लिए। अरे सिंचैन वो तो काटने के लिए आएगी, हमें उससे बच के रहना पड़ेगा। अरे दोस्तों चलो ना फिशिंग करते, मुझे फिशिंग करनी है, चलो ना। अरे ठीक है मजा आओ, चलो चलते हैं, बस रुक जाओ ये प्लैंक पकड़ लेता हूँ मैं। चलो प्लैंक पकड़ लिया, हम लोग फिशिंग करेंगे, बट उससे पहले मेरे को अपनी मछली खानी है जो मैंने पकड़ी थी। चलो जल्दी से खा लेता हूँ। अरे वाह ये तो बहुत टेस्टी थी, मेरे को और खानी है। जल्दी से अब मैं काम करता हूँ, फिशिंग करता हूँ, मेरे को ये वाली मछली का फिर से मिल जाए। अरे सिंचैन ये चीटिंग कर रहा है मेरे साथ, मुझे बोला था कि मैं फिशिंग कर लूँगा। कजामा चाय दो, मैं फिशिंग कर लूँगा, अभी मैं पकड़ने वाला हूँ मछली, देखना मुझे बहुत अच्छी मछली मिलेगी। अरे वाह मेरे को तो कॉड फिश मिली है, अब इसे भी मैं पकाने पे लगाऊंगा, ये मछली मैं खाऊंगा। जी दोस्तों अब मेरी बारी है, मुझे भी फिशिंग करना है, बट उससे पहले मैं खाना पानी पी लेता हूँ क्योंकि उससे ही हम लोगों का प्यास बुझ रहा है, और खाना तो खजाना ने खा ही लिया है। दोस्तों रुक जाओ एक सेकंड, मैं बस यहाँ पे ना ये क्या करते हैं, थोड़े से डिब्बे आए हैं उन्हें पकड़ लेते हैं क्योंकि हमें ये पकड़ना बहुत ज़रूरत है। अगर हम लोग इसको नहीं पकड़ेंगे तब तो हम लोग यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हम लोगों को डिब्बे क्यों इतने ज़्यादा पकड़ रहे हैं, हम लोग एक्सपैंड कब करेंगे। अरे
अरे रुक जाओ तुम, थोड़ा सा हम लोग अभी ख़राब हो पा रहे, अगर थोड़ा देर रुक जाओ बस, हम लोग फिर तब एक्सपेंड करेंगे। अभी तो मैं जल्दी से यहाँ पे डिब्बे कलेक्ट कर लेता हूँ। चलो मेरे सबसे बहुत ज़्यादा डिब्बे हो गए, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ी जगह छोटी पड़ रही है हम लोगों को। जल्दी से एक्सपेंड कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैंने एक्सपेंड कर लिया है। अभी मैं काम सोच रहा हूँ चेस्ट बना लूँ जिसमें हम लोग अपना सामान भी रख पाए। इतने सारी चीज़ें हमारी अनलॉक हो गई है। एक काम करता हूँ अभी ये चेस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे बना हुआ, यहाँ पे हमारा सारा काम करने का चीज़ है। दोस्तों चलो ना फिशिंग करते हैं, बस एक सेकेंड, मैं अब फिशिंग करूँगा, अब मैं थक चुका हूँ, मेरे को हुक नहीं पकड़ने हैं क्योंकि हुक से पकड़ते पकड़ते मैं थक गया हूँ। क्योंकि दोस्तों तुम लोग रुक जाओ ना, मुझे डिब्बे पकड़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, मैं यहाँ पे सारे डिब्बे कलेक्ट कर लूँगा, ये डिब्बे पकड़ने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अगर हम लोग इसका पार्ट टू भी बनाएंगे गाइस, मैं जब तक डिब्बे पकड़ रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है एक और नई वीडियो बनाने का। चलो मैंने बहुत सारे डिब्बे तो कलेक्ट कर लिए हैं, रुक जाओ थोड़ा सा और डिब्बा बचा है, उसे भी कलेक्ट बस कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे सीवुड भी जा रही है, ये सीवुड से ही रस्सी बनती है क्योंकि यही हम लोग के सबसे ज़्यादा काम आए कि इसे भी जल्दी से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो चुका है, अब मैं रस्सी क्राफ्ट कर लेता हूँ और सोच रहा हूँ थोड़ा आइलैंड एक्सपेंड कर लूँ क्योंकि हम लोग और ज़्यादा कर सकते हैं। बट रुक जाओ, मैं साओ को पहले फिशिंग करने दे देता हूँ वरना वो यहीं रो देगा। अरे शिनचैन तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं नहीं रोऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा हूँ, मैं नहीं रोऊंगा। ये देखो मुझे खजामा की फेवरेट मछली मिल गई। अरे अरे तुम एक वो मछली दे दो, मैं तुमको दूसरी मछली दे दूँगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे को वो मछली बहुत अच्छी लगी थी। अरे खजामा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम हर बार मेरी बेइज्जती करते हो इसलिए मैं नहीं दूंगा। ठीक है रोंगरू कहीं के नहीं चाहिए तेरे से, रोंगरू कहीं का। अरे शिनचैन ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, मुझे अच्छी बात ही नहीं करनी है, मैंने उसे मछली नहीं दी तो। अरे तो तुम्हें उसे मछली दे देनी चाहिए थी ना, तो वो तुम्हारी बेइज्जती नहीं करता। अरे अरे मजाओ, तुम्हें तो वो वाली मछली दो दो कोई मिल गई, क्या तुम मुझे उसमें से एक मछली दोगे, मैं तुम्हें रोंगरू नहीं बोलूँगा इसके बाद। अरे शिनचैन ये फिर से मुझे चूना लगा रहा है, ये रोंगरू नहीं बोलेगा बोल के मेरे को रोंगरू ही बोलता है, ये बहुत बड़ा स्कीम है शिनचैन, मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, ये हर बार मेरे साथ धोखा देता है मेरे को। जी दोस्तों तुम लोग रुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़े से मैं डिब्बे कलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से क्योंकि डिब्बे कलेक्ट करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं भी फिशिंग करूँगा, देखता हूँ मुझे कौन सी मछली मिलेगी, मसाओ ने तो फिशिंग कर ली, अब मैं अपनी किस्मत का जलवा तो देखूँ। नहीं चलो मैंने मछली पकड़ना शुरू कर दी, मेरे को एक मछली मिल चुकी है, अब जल्दी से इसे गोल वाले के अंदर रखना है। अरे वाह मुझे तो ऑरेंज वाली मछली मिली जो कि बहुत टेस्टी रहती है, मैं नहीं दूंगा तुम्हें खजामा, मैं तो उसे अकेले अकेले खाऊंगा। अरे शिनचैन तुम लोग दोनों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, मेरे को जो मछली फेवरेट लग रही है वो मछली मुझे मिलती ही नहीं है यार, बट ऐसे होता ही नहीं है मेरे साथ। अरे दोस्तों तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, देखो मैंने पानी उठाया और मुझे एक और ऑरेंज वाली मछली मिल गई। एक काम करना खजामा तुम ये ले लेना मेरे से, मैं तो ये नॉर्मल वाली कॉडफिश खा के ही ठीक रहूँ। चलो ठीक है, अब मैं जल्दी से एक काम को तो एक नया ये बना लेता हूँ क्योंकि हमारा ये पहले वाला टूट गया था, हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही डिब्बे पकड़ लिए हैं लगता है। जल्दी से मैं और डिब्बे पकड़ लेता हूँ क्योंकि हम लोग डिब्बे पकड़ेंगे तभी अपना फ्लोर एक्सपेंड करेंगे, और अगर हम लोग के पास बड़ा फ्लोर होगा तभी हम लोग काम कर पाएंगे। अरे ये क्या, इसने तो हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अरे अरे शिनचैन जल्दी से मारो वरना ये हमें मार डालेगा। चलो बच गए भाई, ये तो हमारा पूरा बेस ही तोड़ देती, ये सार्क तो बहुत ज़्यादा बेकार है, इसे हम लोग को मारने के लिए कुछ सोचना भी होगा। जी दोस्तों सही बोल रहे हो गाइस, आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तब हम अगले एपिसोड में हो सकते इसे मार दें। चलो मेरे पास बहुत सारी रस्सी आ चुकी है,
अब मैं इससे बहुत ज़्यादा फ्लोर एक्सपेंड करूँगा, पूरा यहाँ पे आगे तो आगे बना देता हूँ। अब बस हम लोग को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेंगे, तब हम लोग पूरा आराम से यहाँ पे रह पाएंगे। गाइस अगले एपिसोड में भूल सकते हैं हम लोग अपना घर भी बनाएं। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी एक नई वीडियो आएगी। अरे सिंचन, चलो हम लोग यहाँ पे जल्दी से और सी वुड कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सी वुड कलेक्ट नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे। अरे दोस्तों, मैं पानी में गिर गया, मेरे ऊपर शार्क अटैक करने वाली थी, मैं बाल बाल बचा हूँ। अरे तुमको गिरना ही नहीं चाहिए था, तुम हो ही एक नंबर के बुद्धू, तुम्हें कुछ नहीं आता है। अरे दोस्तों देखो, मेरे को पोटैटो मिला है और कुछ कैबेज सीड्स भी मिले हैं। हम लोग एक काम करेंगे, अगले एपिसोड में थोड़ी सी हम लोग फार्मिंग भी कर लेंगे, जिससे हम लोगों को ये मछली पका के नहीं खाना पड़ेगा। और मैंने सुना है ये कैरोट, कैबेज, आलू ये सब बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा पानी वाला भी मिलेगा और खाना वाला भी मिलेगा। अरे सिंचन, तब तो ये बहुत अच्छा होगा, जल्दी से हम लोग अगला एपिसोड भी बनाएंगे इसका, फिर हम लोग उसमें भी बहुत ज़्यादा ये करेंगे ग्राइंडिंग। चलो दोस्तों, मैंने और ज़्यादा रूम बना ली है, अब मैं इससे काम करता हूँ कि अपना फ्लोर एक्सपेंड करता हूँ। अब हम लोग को बस पूरे से ही फ्लोर एक्सपेंड करना है, तब हम लोग यहाँ पे एपिसोड को एंड कर देंगे। जल्दी से मैं एक काम करता हूँ और डिब्बे कलेक्ट करता हूँ। अरे वाह, इसके अंदर से तो हमें चार चार सीवुड मिली, मेरे को लगता है कि एक डिब्बे से चार ही सीवुड मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अरे हाँ सच्चा, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, उससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकती है, ये इस गेम का रूल होगा लगता है। बाय द वे गाइस, क्या आप लोगों ने ये गेम खेली है, ये वाली गेम जो हम लोग आज खेल रहे हैं सर्वाइवल ऑन ड्राफ्ट? आप लोग हमें कमेंट पे इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें अभी नूबी है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें आता है नहीं, अभी तो बस हम लोग सर्वाइव कर ले रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं कैसे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा मोड़ा तो आ जा रहा है। अरे दोस्तों, तुम लोग सही बोल रहे हो, जल्दी से मैं थोड़ा सा और डिब्बा कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ से फ्लोर और एक्सपेंड कर पाएंगे। ये रही सीवुड, इसे भी खींच लेता हूँ मैं। अरे दोस्तों, लगता है हमारे पास इनफ सीवुड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ये कर लिया है, अब लगता है हम लोग अपना पूरा सीवुड बना सकते हैं। अरे वाह, पाँच बन गई एग्जैक्ट हमें चाहिए थी। अब जल्दी से मैं ये निकालता हूँ अपना ये, और यहाँ पे फ्लोर में बिल्ड कर लेता हूँ उसका। ये लगा एक फ्लोर और ये लग गया दूसरा फ्लोर। तो चलो हम लोग अपना काम कर चुके हैं यहाँ पे, रात भी हो चुकी है यहाँ पे, शायद हम लोग अगला एपिसोड में अपना बेड भी बना लें। तो गाइस हम लोग मिलेंगे आप लोगों को एक और वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत जल्द हम लोग एक नई वीडियो लाएंगे अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा सपोर्ट आया तो। तो गाइस हम लोग मिलते हैं आप लोगों को एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।